यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने मंजूर किया है। पहल दिल्ली से अंबाला तक 18 एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जो कि 200 किलोमीटर लंबे एनएच पर जाम और दूसरी समस्याओं से अवगत कराएगी। इन्हें टोल प्लाजा समेत मुख्य जगह पर लगाया जाएगा, जहां वाहन चालकों का ध्यान केंद्रित होगा। इनका संचालन कंट्रोल रूम से होगा और पल पल की ट्रैफिक और रूट से जुड़ी जानकारी चालकों को मिलेगी। रोड कैसा है, कहां पर जाम है और जाम कितना लगने वाला है और वाहन को किस ओर डाइवर्ट करना है, ये सब जानकारी इन एलईडी में 24 घंटे मिलती रहेगी। एनएच के बाद ये एलईडी 5 दूसरे स्टेट हाईवे पर भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही इस बजट से कई आधुनिक उपकरण भी खरीदे जाएंगे, जबकि जल्द ट्रैफिक पुलिस को 2 2100 होमगार्ड के जवान भी मिलेंगे।